हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है साप्ताहिक राशिफल। ये कमिंग वीक यानी कि 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं, और जो भी आपका सन साइन है, जो भी आपकी राशि है, उसके टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों पे मेंशन करे हुए हैं। आप उस पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड है जस्टिस एंड न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो एरीज, जस्टिस का मतलब टैरो में होता है कि चीज़ें आपके साथ फेयर होंगी, और अगर पास्ट में कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लगता हो कि आपको जस्टिस नहीं मिला, आपके साथ फेयर नहीं हुआ, आपको न्याय नहीं मिला, या आप कोई चीज़ डिज़र्व करते थे, आपको नहीं मिली, आपने किसी भी अपने लाइफ के एरिया में बहुत मेहनत करी है और उसके आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो इस वीक मुझे दिखता है ज़रूर आपको उसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं या उस डायरेक्शन में कुछ होगा। और अगर आप इस कार्ड में देखें तो यहाँ पे बैलेंस है, तो जस्टिस आपको कहता है कि आप अपनी लाइफ में इस वीक ज़रूर बैलेंस लेकर आएं। कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वहाँ से अटेंशन और फोकस हटा के अपने वर्क पे थोड़ा फोकस करें, या आप बहुत ज़्यादा वर्क पे फोकस कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप पर्सनल लाइफ पे भी फोकस करें, या फिर कोई थॉट है, कोई इमोशन है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में आप सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा उसको फील कर रहे हैं, तो ज़रूर एक बैलेंस आप ज़रूर लेकर आएँ। और क्योंकि ये जस्टिस कार्ड है तो आप किसी लॉयर को या कोर्ट को विज़िट कर सकते हैं इस वीक। ज़रूरी नहीं है आप किसी लीगल इशू की वजह से ही विज़िट करें, हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई डॉक्यूमेंट है या कोई पेपर वर्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए आप जाएं, या जिन लोगों के कोर्ट केस चल रहे हैं या कोई लीगल इशू चल रहा है, मुझे दिखता है कि आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है। एंड नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है न्यू मून इन स्कॉर्पियो विच सेज़ वर्क थ्रू योर फियर्स। और कोई चीज़ है जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, कोई चीज़ है जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं एक फियर है और वो फियर कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपको लगता हो कि आप नहीं कर सकते, या आपको लगता हो कि इम्पॉसिबल है, आप उसे पा नहीं सकते, या जो भी फियर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्विमिंग करना चाहती हूँ लेकिन मुझे पानी से डर लगता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने उस फियर को ओवरकम करूँ, क्योंकि तभी तो मेरी डिज़ायर स्विमिंग सीखने की पूरी होगी। तो इस तरीके से अपने साथ चेक करें, या कोई डिज़ायर के बीच में अगर आपका कोई फियर आ रहा है तो इस वीक आप ज़रूर उस पर काम करें और ज़रूर उसको ओवरकम करें, तभी आप अपनी विशेस को, तभी आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ब्राइट रेड। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं टू ऑफ कप्स एंड वैक्सिंग क्रेसेंट मून। द टॉरस टू ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ लव, इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स। तो इस वीक टॉरस में जो दिख रहा है कि आप वर्क, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस या अपने जॉब पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, आपका फोकस थोड़ा सा रिलेशनशिप्स और अपनी लव लाइफ पे ज़्यादा है। हो सकता है कि आपके घर पे कोई इवेंट हो या आपके ऑफिस पे कोई गेट टुगेदर हो रहा है, कोई रीयूनियन हो रहा है जहाँ पे आप अपने लव वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या हो सकता है अदरवाइज ऑल्सो जो भी आपके लव्ड वंस हैं वो कोई भी हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके मदर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हैं, उनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या हो सकता है आपको इस वीक उनका ज़्यादा अटेंशन मिले, वो ज़्यादा फोकस करें आपके ऊपर और आप उनको किसी एरिया में सपोर्ट कर सकते हैं, या वो आपको किसी एरिया में सपोर्ट कर सकते हैं, या अगर आपके कोई लव्ड वंस आपसे दूर रहते हैं तो हो सकता है कि इस वीक आप थोड़ा उनके बारे में ज़्यादा सोचें। एंड नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है वैक्सिंग क्रेसेंट मून विच सेज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो टॉरस, अगर कोई भी आपका ड्रीम है या कोई भी आपकी इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं हाल फिलहाल में आपका फेथ थोड़ा सा डगमगाया है, आपका विश्वास थोड़ा सा हिला है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब टॉरस के साथ हो, लेकिन जिन भी टॉरस के साथ हो रहा है, तो मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि आप कंप्लीट फेथ रखें, कंप्लीट विश्वास रखें और बिल्कुल भी गिव अप ना करें, उस डायरेक्शन में जाते रहें, आपकी ड्रीम ज़रूर पूरी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉरस, अगर हम रात को कहीं जा रहे हैं तो हमें सामने से रास्ता नहीं दिखता है,
और हम हेडलाइट के सहारे आगे जाते रहते हैं और बीच में चैलेंजेस भी आते हैं, डिफ़िकल्टीज भी आती हैं, बट अगर हम गिव अप नहीं करते और अगर हम जाते रहते हैं तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। और करंटली अगर आपको लग रहा है कि आपका ड्रीम इम्पॉसिबल है या आप अचीव नहीं कर पाएंगे, आपको डायरेक्शन ना मिल रही हो, आपको रास्ता ना दिख रहा हो, फिर भी जो दिख रहा है, जहाँ तक दिख रहा है, आप चलते जाएँ, डेफिनेटली आप ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, आपका ड्रीम ज़रूर पूरा होगा। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा डिले हो जाए, पर होगा ज़रूर। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है स्काई ब्लू। जेमिनीज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो जेमिनीज, कोई भी चीज़ अगर चार पहियों पे या फोर लेग्स पे होती है तो उसमें एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार है, ट्रक है, उसमें चार पहिए होते हैं तो वो सीधी खड़ी रहती है, जल्दी जल्दी हिलती नहीं है। लेकिन अगर स्कूटर है, साइकिल है और अगर हमें उन्हें खड़ा करना है तो एक सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है, एक टेक लगाने की ज़रूरत होती है। तो ये फोर ऑफ वॉन्स का कार्ड है विच सेज कि कोई भी आपका लाइफ का एरिया, वर्क हो सकता है, करियर, फाइनेंसेस, जॉब, लव लाइफ, उसमें किसी प्रकार की स्टेबिलिटी, किसी प्रकार की स्थिरता आ सकती है या फिर आपको एक उम्मीद, एक होप दिख सकती है कि आगे जाके ऐसा होगा। और फोर ऑफ वॉन्स इज़ अ वेरी हैप्पी सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो ये वीक मुझे दिखता है कि एक एक हैप्पीनेस, एक मस्ती, एक इन्जॉयमेंट सी रहेगी। हो सकता है आप अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस करें या अगर आपका क्वेश्चन वर्क और करियर से रिलेटेड है तो हो सकता है कि आप अपने कोलीग्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करें, ज़्यादा बातचीत करें, आपकी बॉन्डिंग उनके साथ बेटर हो। एंड फोर ऑफ वॉन्स इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ चेंज। तो चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, चेंज ऑफ ऑफिस हो सकता है, या आपके घर में कोई रेनोवेशन हो सकती है, या आप किसी के गृह प्रवेश पे जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न विच सेज योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो जो भी आप पाना चाहते हैं या जो भी आपकी विश है, आपका ड्रीम है, उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल सकता है, डेफिनेटली आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एफर्ट्स ज़रूर करें उस एरिया में, आप पूरी मेहनत करें, एक प्लान, एक स्ट्रेटेजी बना के उस एरिया को परस्यू करें, उस चीज़ को फॉलो करें, आप एक डिसिप्लिन के साथ उसमें चलें, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, आपको कामयाबी मिलेगी। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ब्राइट येलो। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड गिबियस मून। तो कैंसेरियंस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, स्पेशली अगर आपका क्वेश्चन करियर, फाइनेंसेस, जॉब या वर्क से रिलेटेड है। एसेस टैरों में नई बिगनिंग होती है, नई शुरुआत होती है, तो इस एरिया में कोई भी नई शुरुआत हो सकती है, आपको पहला साइन सक्सेस का मिल सकता है, पहला पे चेक मिल सकता है, पहली प्रमोशन हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। एंड अगर आप इस कार्ड को देखें तो आसमान से एक हाथ आगे कोई चीज़ आपको ऑफर कर रहा है, विच मीन्स कि इस वीक लक आपकी साइड में होगा, लक आपको फेवर करेगा। तो कोई भी काम जो आपके बहुत टाइम से नहीं बन रहे हैं या जिन पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे दिख रहा है इस वीक आपको ज़रूर कुछ होप मिलेगी, कुछ डायरेक्शन मिलेगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और स्पेशली क्योंकि ये मनी का कार्ड है तो मनी रिलेटेड आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर एक और चीज़ आप इस कार्ड में देखें तो यहाँ पे एक ओपनिंग है, एक डोर है, तो कोई भी दरवाज़ा अगर आपको लग रहा है या कुछ कैंसेरियंस को ऐसा लग रहा था कि वो दरवाज़ा बंद हो गया है, आपको ऐसा लगेगा कि वो दरवाज़ा खुल रहा है। एंड आप नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, नेचर में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किसी ऐसे एरिया में जा सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर हो, या आप अपनी हेल्थ पे और अपने आप पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है गिबियस मून विच सेज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। नॉर्मली कैंसेरियंस क्या होता है कि जब हम अपने गोल के बहुत करीब होते हैं तो हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, हमें लगता है कि अब तो हम अचीव कर ही लेंगे। लेकिन एक सेकंड के लिए आप इमेजिन करें कि आप किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, आप जीतने वाले हैं, फिनिशिंग लाइन आपको दिख रही है, उस टाइम पर आप क्या करते हैं? अगर आप रिलैक्स करते हैं तो क्या होगा?
ऑब्वियसली आप हार जाएंगे, आप अपनी फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे और जो बाकी लोग दौड़ रहे हैं वो आपसे पहले पहुंच जाएंगे, आप जीतते जीतते रह जाएंगे। तो जब हम रेस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं क्योंकि हमें फिनिशिंग लाइन दिख रही होती है, तो उस टाइम पे हम पूरा अपना एफर्ट लगा देते हैं, स्पेशली जब हम जीतने वाले होते हैं। तो यही आप लोगों के लिए मैसेज है कि जो भी आपका मकसद है, जो भी गोल है, आप उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो ये टाइम नहीं है कि आप बैठ जाएं, आप रिलैक्स करें, बल्कि जितना एफर्ट आप लगा सकते हैं, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में करें अगर आप चाहते हैं कि आप अपना गोल अचीव करें, आप अपने मकसद को पालें। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है लाइट ग्रीन। लियोज यानी कि सिंह राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्स एंड वैक्सिंग मून। तो लियोज दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं और दोनों ही मूवमेंट के कार्ड्स हैं। नाइट स्टारों में होते हैं चेंज, मोशन, मूवमेंट। तो कोई भी आपके काम रुके हुए हैं या जहाँ पे आपको लग रहा हो कि चीज़ें स्टैगनेंट हो गई हैं, रुक गई हैं, मुझे दिख रहा है कि उस एरिया में मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, हलचल होनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसे लगेगा कि वो काम बनने शुरू हो रहे हैं आपके। और अगर आप इस नाइट को देखें तो बहुत ही स्पीड में जा रहा है। तो इस वीक आपकी लाइफ में चीज़ें स्पीड अप हो जाएंगी, तेज़ी पकड़ लेंगी। और जब नाइट ऑफ वॉन्ड्स रीडिंग में आता है तो हम ये कहते हैं कि जो भी चीज़ें इस टाइम पे आपकी लाइफ में आ रही हैं वो रहेंगी नहीं, वो आएंगी और चली जाएंगी। तो अगर कोई भी पॉजिटिव चीज़, अच्छी चीज़ इस वीक आपकी लाइफ में आती है, मेक द मोस्ट ऑफ इट। जितना ज़्यादा आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जितना ज़्यादा उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं, आप ले लें। कोई अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में इस वीक आती है तो आप बहुत ज़्यादा सोचें ना, उसको फटाफट आप अवेल कर लें, क्योंकि वो आएगी और चली जाएगी, रहेगी नहीं। और अगर कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आती है जो आपको पसंद नहीं है, आप अपसेट हो रहे हैं, आपको परेशान कर रही है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना हो, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ में रहेगी नहीं, ये आएगी और चली जाएगी। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ चेंज। तो चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन रिलेशनशिप से रिलेटेड है और आप किसी भी नए इंसान को इस वीक मिलते हैं, तो ज़्यादा अटैच ना हों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आगे जाके रहें। और अगर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो मुझे दिखता है बहुत एक एक्साइटमेंट, एनर्जी और एंथुजियाज़म आपके रिलेशनशिप में इस वीक रह सकता है। एंड नेक्स्ट कार्ड आप लोगों का है वैक्सिंग मून, विच सेज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो जो भी आपका गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका मकसद है जिसको आप पाना चाहते हैं, एनर्जीज उस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, यूनिवर्स आपको फेवर कर रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे, थोड़ा सा भी उस डायरेक्शन में एफर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, आपको कामयाबी मिलेगी। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ब्राउन। वर्गोज यानी कि कन्या राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड फुल मून इन पाइसेस। तो वर्गोज ये वीक थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है आपके काम बनते बनते रह गए, पेमेंट्स डिले हो गई, आपने अपने लव्ड वंस के साथ कोई प्रोग्राम बनाया वो कैंसिल हो गया। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या इन जनरल लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे आप में। एक जैसे बोलते हैं ना, रिजेक्टेड सी, एक एक अकेलेपन वाली फीलिंग रह सकती है। तो ज़रूरी नहीं है वर्गोस की ये रियलिटी ही हो, ये सच ही हो, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है ये नेगेटिव थॉट्स आपका माइंड ही क्रिएट कर रहा हो। और अगर ये सच भी है तो भी वर्गोस, ये एक वीक की बात है। अगर आप थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे, थोड़ी सी एक आप कॉन्शियस एफर्ट्स करेंगे इसमें से बाहर निकलने की, तो ज़रूर आप निकल पाएंगे और नया वीक फिर नई एनर्जीज लेकर आएगा, नई होप लेकर आएगा, नई उम्मीद लेकर आएगा। और नेक्स्ट कार्ड आप लोगों का है फुल मून इन पाइसेस, विच सेज बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो इस वीक वर्गोस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लेकर आएँ। कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल, एक रियलिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा अपने हार्ट से, अपने दिल से भी काम लें। या अगर आप बहुत ज़्यादा अपने दिल की सुन रहे हैं तो थोड़ा सा आप एक प्रैक्टिकल, थोड़ी सी एक रियलिस्टिक अप्रोच ज़रूर रखें। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ब्लैक। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं जजमेंट एंड फुल मून इन एक्वेरियस। तो लिब्राज, जजमेंट इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रांजिशन,
और ये वीक आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आ सकता है। कोई चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हो सकती हैं और नई बिगनिंग्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो वो चैप्टर, वो फेज़ आपकी लाइफ का एंड हो सकता है और आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट आ सकती है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ इंगेज हो सकते हैं, या फिर अगर आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ब्रेकअप की बातें चल रही हैं, तो यू नो आपका ब्रेकअप हो सकता है। सिमिलरली यू नो कैरियर, जॉब, फाइनेंसेस, उस एरिया में भी अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कोई भी टेंशन चल रही है, तो मुझे दिख रहा है इस वीक वो एंड हो सकती है और नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में। या फिर अगर बहुत अच्छा भी फेज चल रहा है तो मुझे दिख रहा है कि वो एंड होगा और कोई एक नई बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में इस वीक। और इस पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिब्रास कि कोई भी अगर हमें डिसीजन लेना है, कोई भी हमें एक्शन लेना है, या कोई भी हमें चॉइस करनी है, तो हम उसको डिले ना करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो वो कहीं हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। एंड नेक्स्ट कार्ड आप लोगों का है फुल मून इन एक्वेरियस, विच सेज शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो जो भी आपकी रियल फीलिंग्स हैं, रियल इमोशंस हैं, रियल थॉट्स हैं, वो आप अपने पार्टनर को या जो भी लोग आपके आसपास हैं, जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड हैं या जो लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीक आप किसी भी थॉट या इमोशन को हाइड ना करें किसी से भी, या फिर यू नो कोई भी टैलेंट है, कोई भी स्किल है आपके अंदर और आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, आप उसको एनहेंस नहीं कर रहे हैं, तो ये कार्ड आपको यही कह रहा है यू नो आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें, ज़रूर एनहेंस करें। जो भी आपका रियल सेल्फ है वो ज़रूर आप लोगों को दिखाएं। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है टर्कोइज। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं टू ऑफ वॉन्स एंड न्यू मून इन सेजिटेरियस। तो स्कॉर्पियोज दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, और अगर आप इस कार्ड को देखें तो इस इंसान के हाथ में ग्लोब है, विच से इसकी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, और इस किस्म का ही एनर्जी लेवल्स मुझे आपके दिख रहे हैं, जहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त जोश है, पैशन है, एंथुजियाज़म है, एक्साइटमेंट है। आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि जो भी आप पाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, आप पा सकते हैं उसको। और नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है स्कॉर्पियोज न्यू मून इन सेजिटेरियस, विच सेज लक इज ऑन योर साइड। तो स्कॉर्पियोज इस वीक भाग्य आपका साथ देगा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, और एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। तो ज़रूर आप इस टाइम पीरियड को बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली, बहुत ही यू नो तरीके से यूज़ करें, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करें। जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, बहुत ही फोकस्ड अटेंशन के साथ उस डायरेक्शन में जाएं, जो भी एफर्ट्स ज़रूरी हैं वो आप करें, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप एक यू नो कदम उस तरफ बढ़ाते हैं, यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, और जो भी रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए, वो आपके लिए अवेलेबल होंगी। तो स्कॉर्पियोज ऑल इन ऑल बहुत ही पॉजिटिव वीक है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप यूज़ करें। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है मेरून। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फुल मून इन कैंसर। तो सेजिटेरियस पेंटिकल्स का कार्ड है, पैसा और मनी रिलेटेड कोई फ़ायदा हो सकता है आपको इस वीक। और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही डिपेंडेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक इंसान है। तो कोई ऐसा इंसान, वो आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके कुलीग हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली या अदरवाइज यू नो वो आपके साथ खड़े हो सकते हैं किसी भी एरिया में जहाँ पे आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड इस वीक मुझे दिख रहा है कि कहीं यू नो रिलेशनशिप या लव लाइफ पे इतना फोकस नहीं है, ज़्यादा आप अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, कैसे आप उसको और बेटर करें, कैसे आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। लेकिन फिर भी अगर आपका क्वेश्चन लव लाइफ से रिलेटेड है या रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो मुझे दिख रहा है कि यू नो कहीं एक सिक्योरिटी, कहीं एक स्टेबिलिटी आ सकती है इस वीक आपकी लव लाइफ में। अगर पीछे आप थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे थे,
थे, आप थोड़ा सा आपको किसी चीज़ का फियर हो रहा था, तो मुझे दिख रहा है इस वीक आप डेफिनेटली बेटर फील करेंगे। एंड क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जो भी लोग प्रॉपर्टी में हैं या लैंड रिलेटेड कुछ भी करते हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपका दूसरा कार्ड है फुल मून इन कैंसर, विच सेज अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो एस्ट्रोलॉजी में सेजिटेरियस कैंसर जो है, कैंसर राशि जो है, वो मून का घर है। मून बहुत ही कंफर्टेबल है इस राशि में। तो इस वीक मुझे दिख रहा है कि आपका माइंड रिलैक्स रह सकता है, एक पीस ऑफ माइंड आपके आपकी लाइफ में आ सकता है। और कोई भी चीज़ अगर बहुत टाइम से आपको बॉदर कर रही थी, किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिल रहा था, कोई आपकी लाइफ का इशू है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा था, इस वीक मुझे दिख रहा है कि वो रिजॉल्व हो जाएगा। उस एरिया में या उस डायरेक्शन में आपको कोई सोल्यूशन मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल सेजिटेरियस बहुत ही अच्छा वीक रहेगा, जहाँ पे पीस ऑफ माइंड है, सुकून है, और आपका काम, आपका वर्क तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, आपको टैंजिबल और मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा वीक है सेजिटेरियस, और आपके लिए लकी कलर है फॉरेस्ट ग्रीन। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड न्यू मून इन एरीज। तो कैप्रिकॉर्न्स, इस वीक आप लोग मुझे थोड़े से परेशान, थोड़े से स्ट्रेस, थोड़े से टेंस दिख रहे हैं। किसी चीज़ को लेके मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं, और कोई थॉट है, कोई इमोशन है जिसे आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, एक बहुत ही नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में दिख रहे हैं। और हो सकता है कि इसी की वजह से काफ़ी कैप्रिकॉर्न्स ढंग से सो ना पा रहे हों, उनको प्रॉपरली रात को नींद ना आ रही हो। तो कैप्रिकॉर्न्स, एक चीज़ यहाँ समझना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली जब हम एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, तो चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं होती हैं, सिचुएशन इतनी भी ख़राब नहीं होती है जितना कि हमारा माइंड उसे क्रिएट कर देता है। और अगर वाकई में सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे टेंशन करना और स्ट्रेस्ड होना एक नेचुरल है, तो भी कैप्रिकॉर्न्स, मैं आपको यही कहूँगी कि परेशान होना किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। और अगर परेशान होने से ही मसले हल होते हों, तो हम 4-5 लोगों को और बुला सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप भी हमारे साथ परेशान हो। आई नो ये सुनने में बहुत बुरा लगता है, स्पेशली जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, बट कैप्रिकॉर्न्स, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि परेशान होने से किसी भी चीज़ का हल नहीं होगा। और अगर आप थोड़े से कॉन्शियस एफर्ट्स करेंगे, थोड़ा सा अपना फोकस, अपना अटेंशन अपनी प्रॉब्लम से हटा के सोल्यूशन पे फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा फील करेंगे और कोई ना कोई ऐसा हल ज़रूर निकलेगा जिससे कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें। एंड नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है कैप्रिकॉर्न्स न्यू मून इन एरीज, जो कि अगेन मुझे यही कह रहा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो जो भी चीज़ आपको करंटली बॉदर कर रही है या परेशान कर रही है, तो आप जो नहीं कर सकते हैं उसको आप छोड़ दें, और जो कर सकते हैं वो करें। जो भी एक्शन आप ले सकते हैं उसको बेटर करने के लिए, जो भी चीज़ आप कर सकते हैं उसको बेटर करने के लिए, वो आप ज़रूर करें। एंड डेफिनेटली आप इस चीज़ में से, इस सिचुएशन में से बाहर निकलेंगे। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है वाइट। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं सिक्स ऑफ वॉन्स एंड थर्ड क्वार्टर मून। तो एक्वेरियस, सिक्स ऑफ वॉन्स इज़ अ कार्ड ऑफ सक्सेस, विक्ट्री, ग्रोथ, प्रोग्रेस। तो पास्ट में किसी भी अपने लाइफ के एरिया में आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत एफर्ट्स करे हैं, इस वीक मुझे दिख रहा है कि आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं उसके। और सिर्फ रिजल्ट्स ही नहीं मिलेंगे, मुझे दिख रहा है कि लोग आपके काम को बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको बहुत रिकग्निशन मिल रही है, आपकी बहुत वाहवाही हो रही है, लोग आपको एक बहुत ही हाई लेवल पर रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस, एक अलग किस्म का सेल्फ एस्टीम आता हुआ मुझे दिख रहा है एक्वेरियस इस वीक। लेकिन क्या होता है एक्वेरियस, जब हमें बहुत कामयाबी मिलती है, हमें बहुत सक्सेस मिलता है, तो थोड़ा सा गुरूर आ जाता है, थोड़ी सी एरोगेंस आ जाती है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इसकी वजह से फिर रिलेशनशिप में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। हो सकता है कि आपको बहुत सक्सेस मिल रही है, लेकिन आपके लव्ड वंस के साथ अगर आपका बहुत ही एक
एक हार्मोनियस, बहुत ही एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आपके उस एरिया को भी इम्पैक्ट करता है, उस एरिया को भी इफ़ेक्ट करता है। और नेक्स्ट कार्ड आप लोगों का है थर्ड क्वार्टर मून, जो कि अगेन मुझे यही कह रहा है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो जहाँ आपको बहुत सक्सेस मिल रही है, जहाँ आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है, मुझे दिख रहा है कि किसी लाइफ के एरिया में आपको थोड़े से एडजस्टमेंट्स, थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है रस्ट। पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए इस वीक कार्ड्स हैं द स्टार एंड न्यू मून इन लियो। तो पाइसेस इस वीक आप ज़रूर एक स्टार की तरह शाइन करेंगे। हो सकता है कि किसी भी चीज़ में आपको उतनी सक्सेस ना मिले, उतनी कामयाबी ना मिले, लेकिन ज़रूर आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, लोग आपकी बहुत प्रेज़ करेंगे, बहुत तारीफ़ करेंगे। अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, किसी पार्टी या किसी इवेंट में जाते हैं, तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपको बहुत रिकग्निशन मिल सकता है। और स्टार का मतलब टैरो में होता है होप, तो हमारे ड्रीम्स, हमारे विशेस तब तक ही ज़िंदा रहते हैं जब तक कि उनमें होप है, जब तक कि उनमें उम्मीद है। और अगर किसी भी ड्रीम में आप अभी वो होप, वो उम्मीद खो चुके हैं, वो फेथ आप नहीं रख पा रहे हैं, तो कार्ड्स आपको यही रिमाइंड करा रहे हैं कि अभी आप गिव अप ना करें, अभी आप उम्मीद ना छोड़ें। जो भी एफर्ट्स है या जो भी एक्शन उस डायरेक्शन में रिक्वायर्ड है, आप ज़रूर वो करें और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। एंड एक और चीज़ जो आप चेक कर लें पाइसेस इस वीक की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग हो रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। जब हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो कहीं एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है, इश्यूज़ हो जाते हैं, और वैसे भी लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। तो अगर आप दे रहे हैं और आपको उतना नहीं मिल रहा है सामने से, तो ज़रूर उस चीज़ को चेक करें और कंट्रोल कर लें। और नेक्स्ट कार्ड आप लोगों का है पाइसेस न्यू मून इन लियो, विच सेज कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो जो भी काम करें बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करें। हो सकता है एट टाइम्स चीज़ें ऐसे नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, या जिस तरीके से हम करना चाहते हैं, जिस तरीके से हम रिजल्ट्स चाहते हैं, हमें उस वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। बट ज़रूर आप पूरा कॉन्फिडेंस रखें और कॉन्फिडेंटली अपने गोल को परस्यू करें, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस दिलवाएगा। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो। तो ये थी रीडिंग्स आप सबके ज़ोडियक साइंस के लिए कमिंग वीक के लिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल सेशन चाहते हैं, तो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड हैव अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वीक। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।